नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आज मुद्दे की बात में जिक्र, बदला मौसम बढ़ा डेंगू। तो आपको बता दें, भारत के तमाम राज्य की चपेट में, डेंगू की चपेट में है। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू का कहर ज्यादा देखने को मिल रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल की वेबसाइट पर मौजूद जो डाटा के मुताबिक अगर बात की जाए तो जून के आखिर तक देश में डेंगू के 32,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जबकि 32 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या करीब यहां पर 20% तक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में भी डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मॉनसून के बाद ग्रामीण इलाकों में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे ये तमाम बीमारियों के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में डेंगू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और बीते महीने में मिर्जापुर में 100 से भी ज़्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के ओपीडी में भी डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है और लखनऊ में प्रत्येक अस्पतालों में बुखार से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसमें छोटे बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। अगर लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल में डेंगू ग्रसित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो बुखार और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद सिविल अस्पताल में एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। लखनऊ में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी मौजूदगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल हॉस्पिटल में है। यहाँ पर हम पहुंचकर जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में है। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है डेंगू वार्ड है, जहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बुखार से पीड़ित जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है किस तरीके से जो अस्पतालों में यहाँ पर भर्ती हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं कुछ हद तक तो बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो घर के जो मामले, चिकनगुनिया के जो मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो है बच्चे कितना प्रभावित हो रहे हैं और जो है उन बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है वो जो एडमिट हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ जो है उनके गार्जियन भी, हम उनसे समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अविनाश। मलेरिया और चिकनगुनिया के जो मरीज हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कितनी बेहतर हैं, इसका भी मौका मुआयना करेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे कि आखिर कितनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं इन बीमारियों से निपटने के लिए, क्योंकि 24 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं अगर लखनऊ के सिविल अस्पताल का जिक्र किया जाए। और सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो देखने को मिल रही है बच्चों की, मौसम का बदलाव और लगातार बीमारियों की बढ़त इस वक्त ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस मौसम का बदलाव जब भी होता है तो इस तरीके की बीमारियां पैर पसारती हैं और लोग, बच्चे, बड़े इसकी जद में आते हैं और इसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो लखनऊ के सिविल अस्पताल से 24 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं और लगातार बच्चों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि एक हिदायत भी दी जा रही है स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से और कि ऐसे बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है और फुल कवर करने की ज़रूरत है, जिससे इस तरीके की बीमारियों से बचा जा सके। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और लगातार जब कोई भी बीमारी बढ़ती है, फैलती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जद में आते हैं, तो ऐसे में अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी चुस्त दुरुस्त हैं उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। तो फिलहाल मौसम का बदलाव अब आम जनता पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गांव गांव, शहर शहर इन बीमारियों का
कहर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, यानी कि मामलों में बढ़ोतरी। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनमीत सिंह जी। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएन पांडे जी हैं, मौसम वैज्ञानिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कौस्तुभ मिश्रा हैं संवाददाता कानपुर से, अविनाश सोनी हैं संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, केशवानंद शुक्ला हैं रायबरेली से संवाददाता जुड़े हुए हैं, और दीपक गुप्ता सीतापुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले अपडेट साझा कर लेते हैं कि कहां कहां से कितना मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। तो सबसे पहले शुरुआत लखनऊ से करते हैं, क्योंकि लखनऊ में 24 नए मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अविनाश, अगर बात की जाए लखनऊ के हाल का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, तो क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसे चर्चा की, मौसम के बदलाव के बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो है बुखार से ग्रसित लोग सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं, कल के न्यूज की जो है खास रिपोर्ट में आपने जैसा कि दिखाया दर्शकों को कि जो है बड़ी संख्या में जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो है जो डेंगू से ग्रसित है उनकी अधिक है। जब हमारी के न्यूज की टीम जो है, हमने जब वहाँ पर जो है जो उनके परिजन हैं जो वहाँ पर उनका उपचार कराने के लिए पहुँचे, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जब हमने जानकारी ली तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वहाँ पर व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम के बदलाव के बाद जिस तरीके से संख्या में जो है सरकारी अस्पतालों में लोग यहाँ पर जो है बुखार से ग्रसित लोग यहाँ पर जो है आ रहे हैं और भर्ती हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो डेंगू का प्रकोप है जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में ये जो आंकड़े हैं ये तो हालांकि सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन आज बता दें कि जो है डेंगू से पहली मौत आज राजधानी लखनऊ में हुई है, फैजुल्लागंज निवासी महिला की जो है मौत हुई है। ये पहला मामला है जो पूरे जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लखनऊ में आज जो ये मौत हुई है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लंबे जो है कई दिनों से जो है ये महिला जो है कहीं ना कहीं बुखार से ग्रसित थी, वो प्राइवेट अस्पतालों में वहां पर उपचार कराने के लिए पहुंची, लेकिन जिस तरीके से जो परिजन है उनका भी मानना था कि तरीके से कहीं ना कहीं जो है जो कार्रवाई हुई है, उनकी जो ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी उसको जो है कहीं ना कहीं कहीं लेट किया गया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कई मामले ऐसे भी देखे गए राजधानी लखनऊ में कि जो प्राइवेट जो संचालक है जो है अस्पताल के, वो कहीं ना कहीं जो है ब्लड टेस्ट के नाम पर हो या फिर ब्लड टेस्ट के नाम पर हो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इन दोनों जो है मौसम के बदलाव के कारण बाद जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में तेजी से जो डेंगू के मामले बढ़े हैं, तो उसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमे में कहीं ना कहीं जो है जो बेडों की संख्या है उसको जो है कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि मौसम के बाद जिस तरीके से बड़ी संख्या में सरकारी अस्पतालों में जो लोग जो है यहाँ पर, अविनाश रुक करेंगे एक बार रायबरेली का भी रुक कर लेते हैं, केशवानंद शुक्ला का। केशवानंद, रायबरेली में क्या कुछ जमीनी हकीकत नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए इससे जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में भी डेंगू का जो मरीज है वो एक भी पेशेंट यहाँ पे नहीं जीता है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की तरफ से अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई है। राणा बेनी माधव सिंह जो जिला चिकित्सालय है उसमें एक अलग वार्ड बनाया गया है, डेंगू वार्ड है, उसमें डॉक्टरों की बाकायदा तैनाती की गई है, जो और भी साथी होते हैं उनकी भी तैनाती की गई है। तो डेंगू के मरीजों को लेकर के जिला अस्पताल में पूरे तरह से व्यवस्थाएं जो महकमा वो अलर्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी रायबरेली में डेंगू का भी पेशेंट नहीं निकला, लेकिन देख रहा है कि जो रायबरेली जो पेशेंट है वो हीट वेव का शिकार जरूर हो रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अब जिस प्रकार सितंबर खत्म होने को है मौसम में बदलाव हो जाता है, लेकिन इस बीच मौसम का बदलाव नहीं हुआ, भीषण बरसात भी हुई तो कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति देखने को मिली है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि आसपास के लोग जरूर बीमार हो रहे हैं, लेकिन डेंगू की अभी जो है यहाँ पे पुष्टि नहीं की गई है। और जो छिड़काव जो डेंगू से बचाव को लेकर के नगर पंचायत नगर पालिका की तरफ से स्वास्थ्य महकमे के एक कैंप लगाया जाता है रायबरेली में, वहां बाकायदा कैंप लगाए जा रहे हैं कि इस प्रकार के जो पेशेंट है वो ना निकल सके, तो कहीं ना कहीं डेंगू के पेशेंटों को लेकर के रायबरेली में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। रायबरेली में स्वास्थ्य महकमा जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिशें नजर आ रही हैं, कैंप भी लगाए गए हैं। और जगहों का भी हाल जानेंगे, कानपुर और सीतापुर का भी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं और सीनियर फिजिशियन भी जुड़े हुए हैं, तो प्रतिक्रिया पहले साझा कर लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर इस मौसम में बदलाव जो नजर आ रहा है कि सुबह और शाम
थोड़ा सा टेम्परेचर कुछ और रहता है और उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है, इससे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये मौसम में तब्दीली कब तक रहेगी एस एन जी? एस एन जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मनमीत सिंह जुड़े हुए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर मनमीत सिंह, क्योंकि अब इस वक्त आप देख रहे हैं जो खबर चल रही है, जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, और बारिश के मौसम में अधिकतर होता है कि इस तरीके की बीमारियां हावी होने लग जाती हैं, तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? ये मुद्दा उठा दिया है, डेंगू के मरीज पिछले 10-15 दिन से शुरू हो गए आने के लिए और अभी उनकी रिपोर्टों की पुष्टि कई बार नहीं हो पाती है। हम लोगों को जो एक हिदायत देनी है इस समय मरीजों को आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर किसी मरीज को फीवर आया है और उसको अगर डेंगू का अटैक हुआ भी है तो हम लोग जब नॉर्मल सीबीसी डॉक्टर्स कराते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट कभी कभी ठीक आ जाता है। तो हम लोग कभी कभी बीमारी होने पर भी प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं कि ठीक है, वो पेशेंट इग्नोर कर देते हैं कि भाई इसको डेंगू नहीं है या इस पे लक्षण नहीं है। तो जब व्याधि के कुछ दिन बढ़ जाते हैं तब प्लेटलेट्स काउंट कम होने शुरू होते हैं। ये तो मेरी एक प्रमुख हिदायत है मरीजों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी कि हम लोगों को अकेले प्लेटलेट्स को देखकर ये नहीं सोचना कि इसको डेंगू नहीं है। ये तो डॉक्टर्स की बात रही। मेन इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने घर के आसपास मोहल्ले में कहीं पर पानी ना पनपने दें। किसी घर में अगर कूलर है तो कूलर का पानी फेंक दें, किसी गड्ढे में पानी हो, जहां जल भरा हो उस पानी को आप वहां से हटा दीजिए। ये जो इसका जो कीड़ा है, लार्वा है, ये वहीं पर डेवलप होता है और ये वहीं से काटता है। बच्चों को हम लोग स्वयं भी पूरी बाकी शर्ट पहने, पैंट पहने, पार्क वगैरह में भी अगर जाना है तो सोच समझ के वॉक करें कि कहीं मच्छर वगैरह ना काटे। अगर और हो सके तो हम लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें और अगर हमारे अंदर कोई फीवर, जाड़ा देके बुखार होता है तो हमें डॉक्टर से अवश्य इस मामले में कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये बीमारी जब आगे बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो हम लोगों को प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ सकते हैं और कभी कभी शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं, जैसे कि खून की चकत्ते पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने मारा हो। ये एक उसकी बहुत बड़ी पहचान रहती है कि अगर चकत्ते बॉडी में पड़ रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि भाई इसको फीवर है, कमजोरी लग रही है, पसीना आ रहा है, जाड़ा देके बुखार आया है, और हमें वो डॉक्टर जो उचित सलाह देता है हमें उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर खुद से थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे बीमारियों से बचा जा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो सीतापुर का रुख करेंगे और कानपुर का जानेंगे हाल कि आखिर क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला है तो जाहिर सी बात है बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। लगातार हम बात कर रहे हैं, बदला मौसम, बढ़ा डेंगू और डेंगू के मरीजों में इजाफा को मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मनमीत सिंह भी जुड़े हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं, कौस्तुभ मिश्रा संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, अगर कानपुर में बात की जाए, कानपुर को देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं धरातल में किस तरीके की नजर आ रही हैं, क्या उचित व्यवस्था की गई है, डेंगू के मरीजों के जो आंकड़े हैं वो फिलहाल क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मौसम लगातार बदल रहा है जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। बदलते मौसम में तमाम प्रकार की जो वायरल डिजीज है वो लोगों को अफेक्ट कर रही है। अगर बात की जाए डेंगू की तो कानपुर के जिला अस्पताल उजला और हेलमेट में डेंगू को लेकर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई। इसके साथ ही मरीजों में इस वक्त कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द और थकान जैसी बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। के न्यूज लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि फुल कपड़े पहने, जल भराव ना होने दे, अगर बुखार, खांसी, बुखार, जुकाम जैसी कोई बीमारी होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह ले।
सीतापुर का हाल जान लेते हैं। दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, सीतापुर में क्या कुछ हाल नजर आ रहा है अगर देखा जाए, जमीनी हकीकत की बात? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में लगातार संक्रामक रोगों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार अभियान चलाकर संचारी रोग के कई प्रोग्राम भी चला रहा है, लेकिन फिर भी एक अज्ञात बुखार की चपेट में लगभग पूरे जिले का ग्रामीण क्षेत्र है। बाढ़ का दंश झेल रहे अभी इलाकों में जलभराव की स्थिति है, जहां पर संक्रामक रोग डेंगू मलेरिया जैसे रोगों का खतरा बना हुआ है। मलेरिया के काफी मरीज हर सीएससी सामुदायिक सेंटर पर निकले हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू का कोई भी ऑफिशियल मरीज अभी तक सीतापुर जिले में नहीं मिला है। वहीं अगर हम बात करें कि इन रोगों को रोकने के लिए स्वास्थ्य महकमा लगातार संचारी रोगों के जो प्रोग्राम अवेयरनेस के होते हैं उनको चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अभी तक भरा हुआ है वहां काफी मुश्किल बढ़ी हुई है ग्रामीणों की, क्योंकि वहां पर बहुत बुरी तरीके से जो बुखार है उसमें जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अगर प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए, जी मैं आपको बताऊं कि प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ क्षेत्रों में आप पर डॉक्टर से रुक करके जो बुखार से लोग बुखार की चपेट में है उनका इलाज करें, लेकिन उन्हें बहुत बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें कि डॉक्टर्स जाते हैं वो 4 से 5-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इसके बाद वहां चले जाते हैं, लेकिन अगर देर रात किसी को बुखार आता है तो बाढ़ वाले इलाके और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में ही घंटों लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस हिसाब से जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय, सीतापुर का हाल ये बता रहा है कि अभी भी विकास से काफी दूर है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, एसएन पांडे जी। एसएन पांडे जी, आपका रुख करेंगे, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही। एसएन पांडे जी, अगर देखा जाए मौसम का मिजाज कब तक लोगों पर इसी तरीके से हावी रहेगा, क्योंकि लोग बीमारियों के जद में आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर है उसका सबसे असर हमारा ह्यूमन हेल्थ पर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह जलवायु परिवर्तन हुआ है तो लगातार फीड हमारे पूरे गंगा के मैदान भागों में और उत्तर भारत में बना रहता है, बेड बल्ब टेम्परेचर बहुत अधिक रहते हैं, तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसमें हमारे शरीर का पसीना निकलता नहीं है, और अगर पसीना निकलता है तो पसीना हमारा सोखता नहीं है, जिससे बॉडी अपना तापमान मेंटेन नहीं रख पाती है, और जब बॉडी अपना तापमान मेंटेन नहीं रख पाती है तो जो हमारे जो भी बीमारियां होती हैं जिनको, जैसे हार्ट के मरीज हो या किडनी के मरीज हो, तो जब बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाती है तो निश्चित रूप से उनमें स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियां होने की संभावना बनी रहती है। यही स्थितियां अभी भी चल रही हैं, और हमें इसका बचाव करना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का दंश हमारा भारत देश नहीं पूरी दुनिया झेल रही है। और अभी आप देखिए, हमारा एक तरफ तो मानसून वापसी पर जा रहा है, दूसरी तरफ 26 तारीख से पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी भागों में फिर बारिश की गतिविधियां लगातार 2 तारीख तक चलने की संभावना है। 3 तारीख के बाद फिर हमारा मानसून वापस जाएगा, तब फिर हमारी वेस्टर्नली हवाएं आएंगी जो ठंडक करेंगी, लेकिन तब तक दिन गर्म रहेगा, सुबह शाम ठंडक रहेगी, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। बिल्कुल, अभी अभी जबकि ये मौसम जो है, एसएन पांडे जी आपने कहा एक बार फिर से ये परिवर्तन देखने को मिलेगा, 3 तारीख तक मतलब बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस आपने बताए हैं। अभी अभी क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, दिन के वक्त आप देखते होंगे कितना ज़्यादा गर्मी से लोग बेहाल रहते हैं, परेशान रहते हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ डॉक्टर मनमीत सिंह सीनियर फिजिशियन जुड़े हुए हैं, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। मनमीत सिंह जी, अगर देखा जाए कब ऐसा ऐसी कंडीशन नजर आती है कि ये डेंगू के लक्षण हैं, ये चिकनगुनिया के लक्षण हैं, या फिर ये वायरल के सिम्टम्स हैं, किस कंडीशन में इसे मतलब इसका आकलन किया जा सकता है, और किस सिचुएशन में हॉस्पिटलाइज करना जरूरी हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जैसे ही किसी पेशेंट को फीवर होता है, जाड़ा दे के बुखार आता है, और वो डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेता है, अगर उसका प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उसमें कहीं खून की उल्टी आ जाए, बॉडी में कहीं लाल रंग के चकत्ते जैसे किसी ने मारा हो, और उसका प्लेटलेट्स काउंट 1,70,000-60,000 से कम हो रहा है, तो उसको तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर घर पे रहकर उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई पेट से या बॉडी में कहीं भी, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर वो हॉस्पिटल में होगा तो उसको संभालना बहुत आसान रहता है,
और हमारी मेडिकल व्यवस्था है, हमारे सीएमओ साहब इस चीजों को बहुत क्लियर कर रहे हैं और हम लोगों को भी हिदायत दे रहे हैं, सबको हिदायत दे रहे हैं, उनकी टीमें लगी हुई हैं। बस गलती कभी कभी पेशेंट कर देता है कि वो अपनी केयर प्रॉपर नहीं करता है और वो डॉक्टर के कहने पर या अपने फैमिली फिजिशियन की बात नहीं मानकर वो इग्नोर करता है, जिसका खामियाजा वो स्वयं भुगतता है। आपका अपना स्वास्थ्य आपके हाथ पे, हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करनी है। अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मुझे डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करके उसकी राय माननी है, तो हमारी जान को कभी भी खतरा नहीं होना जाएगा। मैं डॉक्टर मनमीत सिंह पुणे के टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो शुक्रिया मनमीत जी के न्यूज के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस एन पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। कौस्तुभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। विनाश केशवानंद शुक्ला और दीपक गुप्ता आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।